खुद के शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखना और एक अच्छा जीवन जीना यह कैसा संभव है, उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे दो हॉस्पिटल्स है जहाँ रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा मानसिक बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। जब भी हम लोगों को ये बोलते हैं साइकोथेरेपी में, हिप्नोसिस में, काउंसलिंग में कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ही ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसा प्राणी है कि जो अपने शरीर से बाहर निकल कर अपने आप को देख सकता है, मतलब अपने शरीर से बाहर देख सकता है, अपने आप को विजुअलाइज कर सकता है। हमने क्या किया है कि हमने हमारी एक स्व प्रतिमा निर्माण की है। स्व प्रतिमा कैसी है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत गया बीता हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस गया तो मैं लोगों से मिल नहीं सकता, लोगों से मैं शेक हैंड भी नहीं कर सकता, मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ, है ना, मेरा नाक बराबर ठीक नहीं है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, या मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, मैं अशांत हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोगों से छोटा हूँ और मेरे में ऐसी कुछ तो भी कमियाँ हैं और कुछ तो भी गलत है मेरे में। ऐसी एक स्व प्रतिमा हमने हमारे निर्माण की है। बार 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 उसकी कमेंट्री दिमाग के पीछे चालू रहती है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि एक ही ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है जीवित कि जो अपने आप को देख सकता है, तो अपने शरीर से बाहर निकल कर बाहर मैं खुद को देख सकता हूँ। यदि आप कोशिश कर सकते हैं ऐसा कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने आँखें बंद करो और आँखें बंद करके देखो कि आप अपने आप को बाहर देख सकते कि नहीं देख सकते। मैं थोड़ा रुकता हूँ, देखिए आप अपने आप को आँखें बंद करो, देखो, आँखें बंद कीजिए और देखो कि अपने आप को आप देख सकते हो बाहर। और ये कला, ये अवेयरनेस ह्यूमन बीइंग में ही सिर्फ है। तो हम ये सेल्फ हिप्नोसिस में लोगों को ये बोलते हैं कि विजुअलाइज करो अपने आप को, अपने आप को बाहर निकालो शरीर से, अपना शरीर बाहर देखो, अपने आप को विजुअलाइज करो और मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है, मेरा उत्साह बहुत है, मुझे बहुत प्रेरित प्रभावित ऐसा लगता है, मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, लोगों से मैं अच्छी बातचीत कर सकता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हाथ शेक हैंड कर रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ। या समझो अभी ओसीडी का प्रॉब्लम है, मतलब बार बार हाथ धोने की बीमारी है, बार बार विचार करने की बीमारी, उसे कोई कृति कर रहा है, तो अपने आप को देखना है कि अभी मैं हाथ धोने की बार बार इच्छा हो रही मगर मैं हाथ नहीं धो रहा हूँ और वहीं बैठा हूँ मैं और रिलैक्स हूँ। फोबिया है तो फोबिया में अपने आप को देख सकते हैं, पैनिक अटैक में अपने आप को देख सकते हैं कि जहाँ मुझे जो सिचुएशन में पैनिक अटैक आता है, फोबिया आता है, वहाँ मैं हूँ और वहाँ हूँ और मैं शांत हूँ और रिलैक्स हूँ। मतलब जो भी चीज़ का डर लगता है, जो भी चीज़ में रेस्टलेसनेस है, जो भी सिचुएशन में रेस्टलेसनेस है, जहाँ भी मुझे अच्छा लगता नहीं है, वो सिचुएशन में अपने आप को देख सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे बार 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 हैमर होके मेरे जो ब्रेन पैटर्न है वो बदल सकते हैं उसमें से। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मैं एक्चुअली वो सिचुएशन में जाऊँगा, एक्चुअली मैं लोगों के साथ में मिलूँगा तो मुझे कुछ भी डर लगेगा नहीं, मैं आत्मविश्वास के साथ में लोगों के साथ में बातचीत कर सकूँगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन का टेक्निक है कि अपने आप को बाहर निकालना, अपने शरीर से विजुअलाइज करना और एक अपना जो आत्मविश्वास नहीं है, लोगों से मिलना जुलना होता नहीं है, शादी ब्याह में जाना होता नहीं है, कोई उत्सव में जाना होता नहीं है, डर लगता है, रास्ता पार करने का डर है, भाषण देने का डर है, स्टेज फोबिया है, ऐसे कुछ भी रहा, तो वो अवेयरनेस जो है इसका फ़ायदा लेके कि हम ह्यूमन बीइंग का अवेयरनेस है, इसका फ़ायदा लेके बाहर से हम अपने आप को देख के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को ये संभव है एक अच्छा जीवन जीना। तो ज़रूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए हुए, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं और लोगों को अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।